गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर 2, बीरबल्स विटी डॉटर। बीरबल की होशियार डॉटर। वंस एम्परर अकबर फेल इन, द डॉक्टर वॉज रेडिली कॉल्ड इन। सिंस द डॉक्टर डिड नॉट लाइक बीरबल, वन ऑफ अकबर्स 9 जेम्स, ही प्लान टू टीच बीरबल अ लेसन एंड थॉट फॉर द किंग्स रेमेडी अकॉर्डिंगली। एक बार सम्राट अकबर बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर उनके ट्रीटमेंट के लिए बुलाए जाते हैं। डॉक्टर जो कि अकबर के नौरत्नों में से एक बीरबल थे, उनको पसंद नहीं करते, इसीलिए वो प्लान करते हैं कि वो किस तरीके से किंग का डायग्नोस करें, उनको दवाई दें कि वो उसके साथ बीरबल को भी सबक सिखा सकें। जल्द ही उनको समझ आ जाता है। सो ही सेड टू अकबर, योर मैजेस्टी आई हैव अ मेडिसिन दैट विल हीट यू अप अगेन, बट यू मस्ट टेक इट विद बुल्स मिल्क। तो वो अकबर से कहते हैं कि महाराज, मेरे पास एक मेडिसिन है जिससे कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, बट आपको वो बैल के मिल्क के साथ लेनी होगी। अकबर वॉज सरप्राइज एंड आस्क, वेयर विल आई गेट बुल्स मिल्क। अकबर सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे बैल का मिल्क कहाँ मिलेगा। तो कनिंग डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि आप प्लीज़ आस्क बीरबल टू अरेंज इट, बीरबल को कहिए कि वो आपके लिए ये अरेंज करें। बीरबल वॉज पजल्ड वैन ही केम टू नो अबाउट इट। बीरबल कन्फ्यूज हो जाते हैं जब उनको इसके बारे में पता चलता है। देन ही केम बैक होम ग्रिम एंड ग्लूमी, और वो अपने घर वापस आ जाते हैं बहुत ही भारी हृदय के साथ और डरे हुए। बीइंग आस्क्ड बाई हिज डॉटर ही डिस्क्राइब हर द होल मैटर, अपनी बेटी के द्वारा पूछे जाने पर वो सारा मैटर उनको बताते हैं। शी लिसन टू हर फादर एंड गॉट रेडी टू कैरी आउट हर रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपने फादर को ध्यान से सुनती हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए तैयार हो जाती हैं। एट मिड नाइट वेन ऑल द पीपल ऑफ द टाउन वर फास्ट एस्लीप, बीरबल डॉटर टुक अ पाइल ऑफ क्लॉथ एंड रीच द रिवर जस्ट बिलो अकबर्स बेडरूम विंडो। शी बिगिन टू वॉच देम बाई मेकिंग पेक्यूलियर साउंड, थॉक स्प्लैश। आधी रात को जबकि सारे लोग सो चुके होते हैं, बीरबल की बेटी एक कपड़ों के पूरे बैग के साथ में नदी के किनारे पहुंच जाती है, जो कि अकबर की बेडरूम की विंडो के बिल्कुल नीचे था। वहाँ वो आवाज़ें निकाल निकाल के कपड़े धोने लग जाती हैं, जैसे कि थपाक स्प्लैश पानी की आवाज़ों के साथ कपड़े धोने लग जाती हैं। अकबर कुड नॉट स्लीप प्रॉपर्ली एंड सेंट हिज गार्ड टू फाइंड आउट द मैटर। वैन द गार्ड रीच द स्पॉट ही वॉज सरप्राइज टू सी अ लेडी हु वॉज वॉशिंग हर क्लॉथ। अकबर ठीक से सो नहीं पाते हैं, इसीलिए वो अपने गार्ड को भेजते हैं उस जगह कि जाओ जाकर देख कर आओ कि क्या मैटर है। जब गार्ड वहाँ पर पहुँचता है तो देखते हैं कि एक जो लेडी है वो वहाँ पर कपड़े धो रही है, और उसे देख के गार्ड बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। देन गार्ड आस्क हर हु आर यू, और तब गार्ड उससे पूछता है कि आप कौन हो। तो लेडी रिप्लाई करती है, आई एम माई फादर्स डॉटर, मैं अपने पापा की बेटी हूँ। देन द गार्ड आस्क हु इज योर फादर, तब गार्ड पूछता है कि तुम्हारे पापा कौन है। देन शी रिप्लाइड ही इज़ माई मदर्स हस्बैंड, वो मेरी माँ के हस्बैंड हैं। गार्ड को उससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, सो ही सेंट हर टू द एम्परर अकबर, इसीलिए वो उसको अपने साथ अकबर के पास ले जाते हैं। देन अकबर आस्क हर वाई शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ इन द मिड नाइट ऑफ द नाइट, तब अकबर उनसे पूछते हैं कि वो इतनी रात में कपड़े क्यों धो रही हैं। देन शी रिप्लाइड, योर मेजेस्टी आई बैग योर पार्डन बिकॉज आई कुड नॉट हेल्प इट, आई नीडेड क्लीन क्लॉथ फॉर माई फादर हु हैड गिवन बर्थ टू अ बेबी। तो कहती है, महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ लेकिन मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपने फादर के लिए साफ कपड़ों की ज़रूरत है, क्योंकि वो उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो अकबर सरप्राइज हो जाते हैं, और तभी जो गर्ल होती है वो रिप्लाई करती है कि महाराज आज के टाइम नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दीज डेज, अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इफ़ अ बुल कैन गिव मिल्क, वाई कांट अ मैन गिव बर्थ टू अ बेबी। अगर एक बुल दूध दे सकता है तो एक व्यक्ति एक बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता। एज सून एज अकबर हियर दिस एक्सप्लेनेशन ही इंस्टेंटली गैस हु इज शी हु वॉज शी। जैसे ही अकबर ने ये एक्सप्लेनेशन सुना, वो समझ गए
कि वो कौन थी. सच ए क्लेवर एंड विटी गर्ल कुड ऑनली बी बीरबल्स डॉटर, कि इतनी होशियार और चतुर लड़की केवल बीरबल की ही हो सकती है. ही लाफ्ड एंड सेड, यू वॉन्ट नाउ, यू गो होम एंड इन्फॉर्म योर फादर दैट आई एक्सेप्ट माई डिफीट. जाओ और अपने पापा को बताओ कि मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली है. शी बोर्ड हर हेड टू द एम्परर एंड हैप्पीली लेफ्ट हर होम. वो सम्राट के आगे सर झुकाती है और अपने घर खुशी खुशी चली जाती है. हेयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. डायग्नोज टू डिटेक्ट, ग्रिम फ्राइटेंड, ग्लूमी हैवी हार्टेड, इम्पेशेंटली रेस्टलेस, एस्टोनिशमेंट सरप्राइज. ओके, थैंक यू.